रोहित शेट्टी की मल्टी स्टारर फिल्म सर्कस इस शुक्रवार को रिलीज हो चुकी है। ट्रेलर रिलीज के पहले से ही फैंस इस फिल्म के लिए काफी उत्साहित थे। लगातार हिट फिल्में देकर इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने वाले रोहित शेट्टी की सर्कस से भी ऐसी ही उम्मीद लगाई जा रही है। इस फैमिली एंटरटेनर से रोहित शेट्टी ने लंबे समय बाद कॉमेडी में वापसी की है। आपको बता दें, इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय मिश्रा, पूजा हेगड़े, जैकलीन फर्नांडिस, वरुण शर्मा, जॉनी लीवर और मुरली शर्मा जैसे कई कॉमेडी स्टार्स हैं। माना जा रहा था कि यह फिल्म बॉलीवुड के लिए एक खुशखबरी लेकर आएगी और साल का सुखद अंत करेगी, पर इस फिल्म को जो रिव्यू मिला और दर्शकों का जो रिएक्शन है उसे देखकर तो निराशा ही हाथ लगी है। सर्कस को दर्शकों का मिक्स रिस्पॉन्स मिला है। जी हाँ, फिल्म देखने के बाद फैंस और ऑडियंस ने ट्विटर पर अपने रिएक्शन शेयर किए हैं। किसी ने सर्कस को घटिया तो किसी ने इसे इस साल की सबसे खराब फिल्म बताया है। लोगों का कहना है कि रोहित शेट्टी के सर्कस से अच्छा तो सर्कस का मेला है। कुछ यूजर्स का कहना है कि रोहित शेट्टी हर इंटरव्यू में बॉलीवुड की लगातार पिटती फिल्मों और असफलता की वजह बताते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब सर्कस के बाद खुद उन्हें इस पर गौर करने की जरूरत है। लोगों को हैरानी हो रही है कि आखिर वह रोहित शेट्टी कहाँ गए जो पिछले कुछ साल से लगातार हिट फिल्में बना रहे हैं। उनका कहना है कि रोहित शेट्टी ने एक अच्छी खासी फिल्म खराब कर दी। वह सही से फिल्म में न तो सर्कस दिखा पाए और न ही कॉमेडी। अनुमान लगाया जा रहा था कि सर्कस रिलीज होने पर अजय देवगन की दृश्यम 2 और जेम्स कैमरून की अवतार 2 को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर देगी, लेकिन जैसा रिस्पांस मिल रहा है उसे देखते हुए लग नहीं रहा कि यह फिल्म टिक पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए। एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।